राजकुमार, राजकुमार सुरुचि को छोड़ दो। राजकुमार, राजकुमार गन गद्दी से हटा दो। बम, यस द बम। भाई जी, भाई जी बम, मेरा अस्थमा पंप कहाँ है? राजकुमार सुरंज को छोड़ दो। संध्या क्या कर रही है? अगर गोली चलाई तो ये पंप बचेगा नहीं। राजकुमार संध्या ऐसी बेवकूफी मत कर। बेवकूफी मैं नहीं तू कर रहा है। अपनी बहन की जिंदगी चाहिए कि उसको ऐसे खासते खासते मना देकर? राजकुमार तेरी बहन की जिंदगी मेरे हाथ में है। सूरज जी के ऊपर से गन हटा दे वरना ये पंप नहीं बचेगा। इस पंप के बिना तेरी बहन मर जाएगी। आठ घंटे बीतने के बाद भी सरकार यात्रियों की वापसी पर कोई जवाब नहीं दे रही है। राजकुमार को वापस करने के बाद भी 65 यात्री कब वापस आएंगे ये बताने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा आगे नहीं आ रहा है। क्या सरकार का राजकुमार को लौटाने का निर्णय सही था? क्या 23/10 में फंसे यात्रियों के सुरक्षित वापस आने की कोई उम्मीद है? अब देखना यह है कि सरकार और टेररिस्टों की इस लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन 65 लोगों का भविष्य क्या होगा। आज के दिन अपनी शादी की सालगिरह है ना? आज का मौका हमारी जिंदगी के सबसे खास मौकों में से एक है। इस शादी ने सफल बनाने के पीछे इस घर ने तिनका तिनका जोड़ के इस लायक बनाने के पीछे तुम्हारी भावों का ही हाथ। क्यों यहाँ मुंह फुला कर क्यों बैठे? 7 दिन के वास्ते जा रही, कोई शमशान ना पहुंच गई। हाँ हाँ अकेली तो जा रही हो ना? आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि कठे गए और दोनों में से कोई अकेला गया? जटे भी गए साथ में गए। जे विदेश जा रही है तू और वो भी मने अठे अकेला छोड़ के। तेरी बहन खासते खासते ही मर जाएगी। संध्या बकवास बंद कर, अब पंप दे दे भाई जी का। ऐसी बेवकूफी मत करना संध्या, वरना सूरज के साथ साथ कोई भी नहीं बचेगा। तेरी बहन भी नहीं बचेगी। तू सोच तुझे क्या चाहिए, अपना बदला या अपनी बहन? पंप नीचे रख, पंप नीचे रख संध्या। मैं पंप को नहीं दूंगी। सारे पैसेंजर्स को छोड़, सूरज जी के ऊपर से गन हटा। वापस कर दे संध्या। देख ले राजकुमार तेरी बहन कैसे खासते खासते मर रही है। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगी। संध्या पंप वापस कर। 1 2 संध्या पंप वापस कर, कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। 3
ठीक है, तुझे अपनी बहन की जिंदगी नहीं प्यारी है ना, ओके। ए रुको, कोई गोली नहीं चलाएगा, मुझे किसी भी हालत में पंप चाहिए। सत्या, पंप वापस, वापस दे। अपने सारे साथियों को बोल, सारे पैसेंजर्स को रिलीज कर। ये लोग प्लेन में बैठकर मेरे साथ जाएंगे तो मैं ये पंप दे दूंगी। संध्या, पंप वापस। ए, कोई नहीं लेगा। गोली माया बहन को लग सकती है, पर जब तक पंप वापस नहीं मिलता कोई नहीं लेगा। पिस्टल नीचे रखो। संध्या, पंप वापस। ऐसे नहीं मिलेगा, सारे पैसे जब वापस आएगी तब पंप मिलेगा। सूरज जी, संध्या मैं गोली चला दूंगा। संध्या, सूरज जी जल्दी जल्दी पाओ, चलिए चलिए चलिए। बचा नहीं पाई, उनकी मौत की सजा दो ही नहीं, मार दो ही नहीं। इन सब की वजह से मेरा आशु आज जिंदा नहीं है, तो इनको भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मारो ही नहीं, संध्या जी खत्म कर दो, संध्या जी मारो ही नहीं। चलो जी, पिछले चार दिनों में हमने बहुत कुछ देखा धरती में। नंदा जी, धरती में दर्द देखा है, अपने को मरते देखा है, भूख देखी है, प्यास देखी है। नंदा जी, अब बहुत सहने जाता, राजकुमार का बदला हमारी फैमिली से था, वो पूरा हो गया, अब सब कुछ सुरक्षित है। आइए ना, मैं राजकुमार कैसे छोड़ के नहीं जा सकती। सूरज जी, अगर आज मैंने इसको छोड़ दिया ना तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों पे खतरा हमेशा मंडराता रहेगा।
मैं इसे नहीं छोड़ के जा सकती। आप जाइए, आप प्लेन जल्दी निकल आइए। सोनल जी कैसे जाऊंगा मैं? जल्दी जाइए। सोनल जी मैं नहीं जा सकती, आप जाइए। सोनल जी मैं नहीं जा सकती। सोनल जी, सोनल जी आपकी पति की ड्यूटी खत्म हो गई है, लेकिन अगर मैं आज चली गई तो अपनी वर्दी दोबारा नहीं पहन पाऊंगी। सर ये देखिए, सर ये है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट वाले शूज जो हम राजकुमार को पहनाएंगे। अगर जाकिर की असलियत सामने आ जाती है और हमारा ये प्लान ए फेल हो जाता है, तो हम प्लान बी के मुताबिक इन शूज में लगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ऑन करेंगे, राजकुमार को तेज करंट देकर उसे अपने काबू में रखेंगे। बताना तुम्हें भी करंट लग जाएगा, दूर हट जाओ।
सूरज सदा जी मेरे कहा था मुझे छोड़ के बचाओ क्यों यहाँ क्यों है आप मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।